गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक करेंगे एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कि जैसे हिंदी में अगर बात करें, विशेषण क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसकी क्या है विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो क्या है नाउन और प्रोनाउन के की विशेषता बताते हैं। जैसे कि रमेश इज अ टॉल बॉय, इसमें देखो रमेश की बात की गई और उसकी क्या विशेषता बताई गई है कि वो क्या है, टॉल बॉय है। तो ये टॉल वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, कि उसकी क्या है विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार हैं। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम इनकी सभी जो काइंड्स हैं उनको हम आगे ब्रीफली करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, दी शो द काइंड क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो क्या है क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए ब्लू पेन, कि पेन तो है मगर वो कौन सा है, ब्लू, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कौन से कलर का है, ब्लू। ए गुड बॉय, लड़का है और उसकी क्या विशेषता बता रहा है, गुड। तो ब्लू और गुड इसमें क्या होंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दीज एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट। कि इस एडजेक्टिव में क्या है, एक ऐसा वर्ड यूज होगा कि जो क्या है उसकी मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। ए फ्यू बुक्स, कि कुछ किताबें, सम मनी, कुछ पैसे। बुक्स तो हैं और उसकी क्या क्वांटिटी बता रहा है, फ्यू, कि कुछ किताबें, और सम मनी, पैसे हैं और कितने, कैसे, सम, कि कुछ पैसे। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी शो हो रही है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दीज एडजेक्टिव शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मेड। कि इसमें क्या है, नंबर शो करेगा एडजेक्टिव जो होगा कि कितनी चीज़ें हैं, कितने पर्सन हैं और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, और किस ऑर्डर में है वो। जैसे लाइक कि कितने जैसे पर्सन है, 1, 2, 3, ये सब क्या होंगे, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएगा। और इन ऑर्डर, इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, कि जैसे फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, सेकंड, फोर्थ, कि कौन से ऑर्डर पे है वो, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, These adjectives point out the person, place or thing concerned। कि अगर हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, किसी person, place या चीज़ की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, demonstrative adjective। जैसे this, those, same, कि वो देख, वो चीज़, ये चीज़, तो ये क्या कहलाएंगे, demonstrative adjective। Next one is distributive adjective। Distributive adjective क्या होता है, These do not things taken one at a time। कि उन चीज़ों के बारे में बताता है कि जिन्हें हम क्या है एक ही बार में डिनोट करते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच होता है प्रत्येक, एवरी होता है हर एक, ईदर कभी कभी, नीदर कभी नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, These are used with noun to form question। कि noun के साथ question बनाने के लिए use किए जाते हैं। Example में देखो, which, what, when, ये सब क्या है, interrogative adjectives हैं। Next one is possessive adjective। The words are my, your, her, his, etc. when used attributively बिफोर अ नाउन। कि जो क्या है किसी जैसे ये वर्ड्स हैं, जैसे यू, हर, हिज, इनका क्या है यूज़ किया जाए संबंध बताने के लिए
बिफोर अ नाउन, कि नाउन के साथ उनका संबंध बनाने के लिए यूज किए जाए तो ये क्या कहलाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देखो, गिव मी माई बुक, इसमें क्या है, जैसे माई माई इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, कि वो बुक तो मांग रहा है, कि वो ऐसे ही बोल सकते गिव मी बुक, तो ये पता तो नहीं चलेगा कौन सी बुक, तो वो क्या है माई बुक, कि मेरी बुक मुझे दो। हाउ इज योर सन, कि हाउ इज योर सन, वो उसके बेटे में बेटे के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है नाउन के साथ क्या है उसका संबंध बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, दे आर यूज्ड विद नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप सभी को पता होंगे कि जिनके पीछे एक्सक्लेमेशन साइन होता है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और ये क्या है ऐसे नाउन्स के साथ यूज होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे व्हाट अ फाइन डे, कि कितना अच्छा दिन है, व्हाट गुड लक। नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दीज एम्फेसाइज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एम्फेसाइज होता है किसी बात पर जोर देना, दबाव बनाना, कि ये क्या है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्या है जोर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई ऑन हाउस, कि वो किस बात पर जोर दे रहे हैं, माई ऑन, कि मेरा ये मेरा खुद का घर है। नेक्स्ट वन इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स हैव थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि एडजेक्टिव की क्या है तीन डिग्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इम्प्लाइड, ये तब यूज होती हैं जब क्या है किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, कि राम अच्छा लड़का है, ये सिर्फ राम के बारे में ही बता रहा है, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा द पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट वन इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन और थिंग, कि क्या है दो पर्सन या दो चीज़ों को कंपेयर करने में जो यूज़ होता है वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, वरुण इज़ बेटर प्लेयर देन श्याम, कि वरुण का कंपैरिजन श्याम से हो रहा है, कि वरुण इज़ बेटर प्लेयर, कि वो क्या है उससे बेटर प्लेयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ बिगर देन चंडीगढ़, दिल्ली का कंपैरिजन चंडीगढ़ से हो रहा है, कि सिर्फ दो चीज़ों के बारे में या दो पर्सन के बारे में कंपैरिजन हो तो वो क्या कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट वन इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, कि सुपरलेटिव डिग्री में दो मोर देन टू, दो पर्सन या चीज़ों से ज़्यादा में कंपैरिजन हो तो वो क्या कहलाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। रोहित इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस एग्जाम्पल में देखो पूरी क्लास की बात हो रही है, तो क्या है रोहित इज़ द बेस्ट क्या आएगी इसमें सुपरलेटिव डिग्री आ गई। दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया, इसमें क्या है पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है और दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया, कि द बिगेस्ट सिटी इसमें द बिगेस्ट क्या होगा इसमें सुपरलेटिव डिग्री होगा। देन स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था एडजेक्टिव, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।